गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सुबह सुबह गुड मॉर्निंग की तैयारी तो देख ही रहे हो। ये ऑलमोस्ट हफ्ते में, महीने में कितने बार बनती है मेरे घर में और कितने बार शेयर कर चुकी हूँ मैं। तो अच्छा भी लगता है, खाने में भी अच्छा है। और क्या होता है, क्वांटिटी में कम जाते हैं ना चीज़ें, रोटी में क्या होता है कुछ ज़्यादा चले जाते। तो ये पतला सा करके हस्बैंड को दिया और मुझे खाना है गार्लिक नान विथ गार्लिक बटर के साथ। थोड़ा सा डो था, मैदे की डो। मुझे मैदे की रोटी एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है, तो आज सोचा अनहेल्दी हो या ना हो, कुछ हो मैं खा ही लेती हूँ। और साथ में सबको एक एक पाउच दिया एक की। तो ये चल रहा है मॉर्निंग। और आप लोगों को केक से क्या चल रहा है कि सर्दी आने वाला है, मिनी सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। तो सुबह सुबह कुछ खाना वाना खा के साफ सफाई कर रही हूँ। और ये देखिए, एसी बेसिन किस किस के घर में है, इसके पानी की जो दाग धब्बे लगते हैं ना, उसको कुछ टाइम के लिए आप जो हार्पिक का रेड वाला आते हैं उसको लगा के रख देती हूँ, वरना जितने भी फिल्टर पानी हो उसका जो एक वाइट 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 एक स्पॉट रहती है। तो थोड़ा सा ये हार्पिक डाल के, हार्पिक मतलब कि रेड वाला जो बाथरूम साफ करते हैं उसको डाल के मैं रख दिया था। फिर थोड़ी बहुत 5 मिनट के बाद इसके मैं साफ़ कर रही हूँ तो साफ़ हो जाता है, मगर इसका एक प्रॉब्लम है, उसको वाइट वाइट एक पानी का एक धब्बा लग जाता है। और ये देखिए, ब्लैंकेट वॉश किया हुआ है, सर्दी में सर्दी का प्रिपरेशन शुरू। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ क्या क्या मेरी अभी की, और डिप सर्दी नहीं चली ना, तो अभी की मेरी ये सर्दी का क्या क्या मैं इस्तेमाल करती हूँ, देख रही हूँ क्या क्या है और क्या क्या ख़त्म हो रहा है। ये बोरनिल में एक रखती हूँ, और ये निविया की सॉफ्ट ओशिया किया एक HPF। क्या होता है, बाहर में सन बहुत हॉट है तो बाहर निकलो तो मेरा HPF 15 वाला एक ओशिया का ये हर्बल है, ये रहते हैं, बेसलिन एक रहते हैं। और ये तो मस्ट मस्ट है हम लोगों के लिए, मस्ट है विटामिन सी गार्नियर की। रात में एक बार लगाती हूँ, दिन में कभी कभार लगाती हूँ, याद नहीं ये रहते। और ये मेरी कलेक्शन है सर्दी के मॉइस्चर की कलेक्शन। और ये क्या होता है ना, ये बालों के लिए है, सीरम है, हेयर सीरम है। फ्रिजी हो जाते हैं बाल तो तब ना, तब थोड़ा सा डाल के देखना, सर्दियों में ज़्यादा फ्रिजी होते हैं। ये एक चीज़ आप लोगों के साथ मैंने कभी शायद शेयर नहीं किया, ये ऑर्गेनिक ऑयल है, ओनियन ऑयल है, एकदम ऑर्गेनिक। मतलब कि ये हमारी लोकल प्रोडक्ट है, उन लोगों ने कोल्ड प्रोसेस ओनियन ऑयल है, बहुत अच्छा है, मगर स्मेल थोड़ा आपको वियर्ड है। क्या करती हूँ मैं, लगा के रात भर लगा के सुबह उठ के शैम्पू कर देती हूँ। तो ये मेरे विंटर की थोड़ा कलेक्शन, कलेक्शन मतलब कि ये सब पुराना है। तो सोच रही हूँ, निकल के देख रही हूँ क्या क्या खरीदना पड़ेगा, विंटर आया है तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना, विंटर आ रहा है, छोटा छोटा विंटर के लिए, मिनी विंटर के लिए। ये मेरी घर में जितने थे ये सब आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये सबसे डीप विंटर में ये सबसे नहीं, ये निविया से नहीं होते, मेरा वो ब्लू कलर का जो निविया है। और ये मेरा बॉडी ऑयल कभी कभार लगाती हूँ, और लोशन तो कितने बार लगा, जितना बार वजू पड़ो उतने बार लोशन लगाओ। और ये गुलाबड़ी, डबर का गुलाबड़ी रखती हूँ क्योंकि जब होम रेमेडी करती हूँ ना तब तो थोड़ा सा इसमें डालना पड़ता है। और ये तो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, कभी कभार मेकअप रिमूव में काम आते हैं। और बाकी और क्या दिखाओ, ये एक बीबी क्रीम है गार्नियर का, विटामिन सी बीबी क्रीम, ये बहुत अच्छा है, मॉइस्चराइजर भी है और वाइटनिंग भी है। और ये लोशन मेरी फ़िलहाल यही है प्रिपेरेशन। और बाज़ार में क्या क्या है देख रही हूँ और आप लोग से शेयर कर रही हूँ। सर्दी में आप लोग क्या यूज़ करते हो थोड़ा मुझे बताना, मुझे एक्चुअली हर कुछ सूट नहीं होते। और एक चीज़ मैं यूज़ करती हूँ बायोटिक का, वो ख़त्म हो गया, देखती हूँ बायोटिक का 2-4 ऑप्शन मैं रखती हूँ। तो ये था आज का एक शेयरिंग छोटू सा,
आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना और साथ में रहना। अल्लाह हाफिज़।